मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय सांस्कृतिक युद्ध चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम सातवीं क्लास के विज्ञान विषय का 12वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दिया रखा था पार्ट टू में जनरल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स सॉरी प्लांट्स। इस पार्ट पर आज आपका वीडियो लेक्चर दूसरा है, जिसमें आप देखोगे जन्म के अलग अलग विधियाँ, जन्म किस प्रकार से जन्म को आ सके, तो इसके बारे में आपने कल वाले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको सामने पेश किया था। जन्म किसे कहते हैं, आवश्यकता क्या है, तो उसको आपने जरूरी समझा देगा और बताया। तो आप जानते हैं कि जन्म के माध्यम से सजीव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने समान नई प्रजाति को उत्पन्न करते हैं। जब नर एवं मादा युग्म आपस में इंटरमिक्सिंग होकर नई प्रजाति जनन प्रोसेस कहते हैं। जनरली अपन देखते हैं तो जनन की दो विधियां चलती हैं। हर स्थान पे नर एवं मादा युग्मों को मिलना कोई नेसेसरी नहीं है। जनन अलग अलग विधियों द्वारा भी संपन्न होता हुआ देखा जाता है। तो जनन की लैंगिक विधि और अलैंगिक विधि दो विधियां, अलैंगिक विधि अलैंगिक जनन विधि और दूसरी लैंगिक जनन विधि, ये दो विधियों को कंसिडर करते हैं। अलैंगिक जनन विधि के माध्यम से जो भी आपके नए पौधा का निर्माण होता है उसमें नए पौधा का निर्माण बीज से नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन प्रोसेस के अंतर्गत आप देखोगे बीज से नया पौधा बनता है। इस विधि में देखोगे तो नए पादप का निर्माण बीज से नहीं होता है। और इसमें देखोगे नए पादप का निर्माण बीज से होता है। देखिए अलैंगिक विधि के अंतर्गत लैंगिक अंग अनुपस्थित होते हैं। आप जानते हैं लैंगिक अंग अपने कौन कौन से हैं, नर एवं मादा युग्म में बात करें तो अपने में, जैसे मनुष्य की बात करें तो अपने में पेनिस तथा वेजिना, ये दोनों आपको बात करें लैंगिक प्रोसेस पार्टिकल पार्टिकल बताए गए। तो देखेंगे अलैंगिक विधि के दौरान पौधों में किस प्रकार का जनन प्रोसेस संभव होता है। तो अलैंगिक विधि को अपन कंसीडर करेंगे, तो पहले अलैंगिक जनन विधि को अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे और फिर बाद में लैंगिक जनन विधि को कंसीडर करेंगे। परंतु आपको वैसे ही दिमाग में होना चाहिए कि लैंगिक विधि द्वारा पौधे में जनन या नया पौधा जनरेट होगा वो बीज से होता है, और अलैंगिक जनन विधि में नया पौधा बीज से उत्पन्न होना कोई नेसेसरी नहीं, ये आपको प्रेरणा दिमाग में होने से। आगे हम देखने जा रहे हैं अलैंगिक जनन विधि के अंतर्गत अलग अलग पार्टिशन के माध्यम से अलग अलग पौधों में अलग अलग अंग जनरेट होते हैं, उसके बारे में कंसीडर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट अपन देख रहे हैं अलैंगिक जनन विधि। देखिए अलैंगिक अलैंगिक जनन के अंतर्गत अलग अलग विधियों को अपन कंसीडर करते हैं। तो उसमें आपको जनरली देखने को मिलेगा अलैंगिक जनन के अंतर्गत कौन कौन सी कायिक परिवर्तन विधि, दूसरी मुकुलन विधि, तीसरी विखंडन विधि, तीसरी के बाद चौथी विधि आप देखोगे तो आपके दे रखी है कौन सी बीजाणु निर्माण विधि, बीजाणु विधि,
पांचवी अमृत भवन, अमृत भवन में भी अलग अलग विधियों के माध्यम से आप देखते हैं अलैंगिक जन संपन्न होता हुआ देखा जाता है। अलैंगिक जन के अंतर्गत आप देखते हैं जनरली तो इसमें लैंगिक अंगों का समावेश समावेश नहीं होता है। इधर इसका समावेश नहीं होगा, लैंगिक अंग इसमें काम में नहीं आते। दिमाग बात रहेगी कि अलैंगिक जनन विधि के माध्यम से कोई भी नया प्रोडक्ट आपके जनरेट हो रहा है तो उस दौरान आपके लैंगिक अंगों की कोई भूमिका नहीं रहती। अलैंगिक जनन विधियां के अंतर्गत मुख्य विधि रहेगी कायिक प्रवर्धन, मुकलन विधि, विखंडन विधि, बीजांड निर्माण विधि और पुनर्भवन विधि, इनके माध्यम से जनन संपन्न होता हुआ देखा जाता है। तो अपन फर्स्ट कंसिडर करने जा रहे हैं कायिक प्रवर्धन प्रोसेस क्या है, उसके माध्यम से नया पदा किस प्रकार से जनरेट होता है उसको अपन पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन। तो देखिए एक बार आप पूरे मैटर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में मैं वीडियो को एक बार डिक्लेयर करके फिर फर्स्ट अपन शुरुआत करेंगे कायिक प्रवर्धन कंसिडर करेंगे। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट देखिए। कायिक प्रवर्धन क्या है, कायिक प्रवर्धन विधि नाम से स्पष्टीकरण हो रहा है कि कायिक प्रवर्धन प्रवर्धन का मतलब होता है कि पौधे का निर्माण पौधे के कायिक भागों से होता है। पौधों में दो प्रकार के भाग पाए जाते हैं, एक तो कायिक भाग और एक होते हैं लैंगिक भाग। पादप पादप के अंग पादप अंग कितने होते हैं, दो प्रकार के, एक तो कायिक और एक तो लैंगिक, कायिक और लैंगिक। लैंगिक के अंदर क्या आता है आपको पुष्प संबंधित पार्ट पुष्प और उसमें भी स्त्री केसर और उपकेसर। जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं मादा युग्मक, मादा एवं नर बीजाणु, ये दोनों क्या है बीजाणु के पार्ट है। जबकि कायिक पार्टिस के अंदर आप देखते हैं तो पौधे की जड़ तना शाखा पत्तियां ये सारे सारे कायिक पार्ट्स के कहलाते हैं। तो जब कायिक प्रवर्धन का मतलब इससे नया पादप आपके जड़ तना पत्ती शाखा आदि से विकसित होता हुआ देखा जाता है या अंकुर द्वारा। इस विधि में नए पादप की उत्पत्ति पादप के कई अंगों द्वारा होती है। और कई अंग कई प्रवण कोणों से जैसे तो कॉस्टर में आप लिख देना जड़ कोमा तना कॉमा शाखा कॉमा पत्तियां इत्यादि। ये अब देखिए एग्जांपल के बेस पे आपको बताया जा रहा है। कभी कभार आपने देखा होगा जैसे गन्ना है आलू है इनमें ऐसा प्रोसेस देखा जाता है कई प्रबंधन पर आधारित पादप के उदाहरण तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे गन्ना गुलाब
आलू, अदरक, हल्दी, पत्ता सटा, इट इज रिजनेबल डाल में हम इनसे क्या पौधों की काई उत्पत्ति किससे होती है? डायरेक्ट काई पौधों से होती है। जैसे गम की बात करें कि तना द्वारा काई प्रबंधन हस्तु पड़ते हैं तना द्वारा तना पर्वत आलू एग्जाम्पल इसका आलू। तो आपने आलू को देखा होगा तो आलू पे ऐसे क्या निकलती है? कलिका निकलती है। क्या निकलती है? कलिका। और इन कलिका को जैसे आलू को जिस कलिका में पार्ट्स में कट करके आलू को बोते हैं तो उससे नया आलू जनरेट होता हुआ देखा जाता है जिसको अपन सामान्य कहते हैं आंखों। आंखों जितने आलू के जितने अधिक आंखें होगी उतने आलू को छोटे छोटे पार्ट में कट कर दो और फिर बाद में प्रत्येक आम को जमीन में दबा दो तो फिर उससे नया आलू उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है। आप ये घर में प्रयोग भी करते हैं और आप जानते भी हैं। कलिका द्वारा पर्वत तो बात करें तो जैसे जहाँ से ये कलिका निकलती है मतलब नई शाखा पर्वत होती उसको कट करके अपन बोते हैं तो नया पौधा जनरेट होता हुआ देखा जाता है। जैसे गुलाब है, गन्ना है, तो उनके प्रत्येक पर्वत को कलिका से कट करके आप नया पौधा जनरेट करते हुए देखे जाते हैं। मान लो यहाँ से आप कट करते तो इस गांठ से तो ये नया पौधा वापस उसको यहाँ पे भी रोकोगे नया पौधा जनरेट हो जाता है। गुलाब, गन्ना, देखी जाती है। प्रत्येक कलिका जहाँ पे एक भी गांठ होती है वहां से उस पौधे को कट कर दीजिए और ऊपर वाले पार्ट को अन्य स्थान पे आप रोप देते हैं और उसमें पानी की समय समय पर सप्लाई करते रहोगे तो नया पौधा जनरेट होता हुआ देखा जाता है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि कलिका पर्वत द्वारा नया पौधा जनरेट होता है। उसके बाद में आलू तथा गुलाब गन्ने के बारे में आपको कंसिडर करवाया। अदरक में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया देखी जाती है और पत्थर से टाइम किस प्रकार प्रोसेस होता है उसको भी अपन कंसिडर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैटर आपके सामने उत्पन्न करवा रखा है उसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए फिर आगे अपन बढ़ते देखिए। हो गया स्क्रीन शॉट देखिए। देखिए अदरक है, हल्दी है, आप देखते भी हम भी लाते हैं तो उसकी आपने जड़ को देखा होगा तो उसमें ऐसे पार्ट्स में अलग से अलग आगे से आगे क्या गांठें जोड़ रखी होती है और वहाँ से जिस कलिका पे देखते हैं जहाँ पे जहाँ गांठ बनती है वहाँ पे वापस से पुनः ऐसी क्या पर्वत बाल जैसी संस्था निकलती हुई देखी जाती है। अपने घरों में हल्दी या अदरक लाकर आपने देखा भी होगा तो उस पर बाल जैसी जो पर्वत संस्था निकलती है वहाँ से अदरक या हल्दी को आप कट कर दो छोटे छोटे पार्ट में क्या कट कर दो। तो यहाँ से मान लो इस पार्ट को कट कर दिया आपने रोक दिया तो इससे नई हल्दी का पौधा तैयार हो जाएगा। यहाँ से कट कर दिया रोक दिया नया पौधा तैयार। तो जहाँ से भी जब पर्वत निकल रखे हो वहाँ से हल्दी या अदरक को अपन कट करके छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग स्थान पर रोपाई की जाए और पानी की समय समय पर सप्लाई करते हैं तो नया पौधा जनरेट होता हुआ देखा जाता है। जब पर्वत देखिए हल्दी कटाते हैं ये सारे सारे प्रोसेस किस कौन सी विधि को कंसिडर कर रहे हैं? काई पर्वतन प्रोसेस को कंसिडर करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल फॉर देखते हैं ब्रायोफिलम या जिसको बोलते हैं पत्थर सट्टा तो उसमें पत्ती के पर्वत निकलते हुए देखे जाते हैं। पत्ती पर्वत के जैसे पत्ती है ब्रायोफिलम की और जैसे ही पौधे से फूट के नीचे गिर जाएगी तो गिरने पर इसमें ऐसे पर्वत निकले होते हैं सूले टाइप होती है
और क्या होता है ऐसे सुई देती वैसे आपके इससे क्या निकले होते हैं उभार निकले होते हैं ऊपर कलिका निकले होती है ऐसी जिधर भी गिरेगी वो डायरेक्ट ये कलिका डायरेक्ट जमीन में पहुंच जाती और ये कलिका आगे विकसित होकर जड़ के रूप में डेवलपमेंट हो जाती और धीरे धीरे ये कलिका पूरे पूरे नए प्लांट को जनरेट करते हुए देखी जाती ये क्रिया किसमें देखी जाती पत्थर सट्टे के अंदर देखी जाती। तो ये आपने देखा कि पत्थर सट्टा है आलू है गुलाब है धन्ना है अदरक है हल्दी है इसमें किस प्रकार से नए पौधे जनरेट होता है तो उस प्रोसेस को आपको समझाया विधिवत रूप से आप उस मैटर को कंसिडर करोगे समझोगे। आज आपने अलैंगिक जन्म की फर्स्ट विधि को कंसिडर किया है कायिक प्रवर्धन प्रोसेस कायिक प्रबंधन विधि द्वारा किस प्रकार से अलैंगिक जनन संपन्न होता है नया पौधा बनता है उसको आपने समझा। अगली विधि देर की आपके मुकुलन विखंडन बीजांड निर्माण इनको अपने अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सामने पेश करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे घर पर रहे सुरक्षित रहे अपना काम करते रहे। थैंक यू धन्यवाद सो मच।